जनाब जी, मैं आपसे एक सवाल पूछने के तो गुस्ताखी नहीं कर सकता मैं भाई, मगर सवाल दो एक मिनट मेरे भाई, अगर आप सवाल जवाब के बजाय कुछ और करेंगे तो गुस्ताखी होगी। अच्छा मैं ये सवालों की महफिल है, सवाल करिए, नाम बोलिए और सवाल करिए। सॉरी, मेरा नाम संतोष ठाकुर है, राइट, मैं हिंदू हूँ जी। मैं घर से बहुत उत्साह से आया था कि आज मुझे पता चलेगा, इतना दिन से मैं सोच रहा था मेरा भगवान ही मेरा ईश्वर है, लेकिन मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था आज मुझे सचमुच पता चलेगा कि असल में ईश्वर कौन है। मैं इतना दिन से सोच रहा था कि ईश्वर ने हमें बनाया सिर्फ दो इंसान, एक औरत एक मर्द। मुझे किसी ज्ञानी पुरुष ने ही बोला था कि भगवान ने जो ईश्वर है वो सिर्फ दो ही बनाया, एक औरत एक मर्द। हम लोग यहाँ पर अपने स्वार्थ के कारण हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख जैन ख्रिस्तान ये लोग सब हम लोग बना लिए हैं। तो आप थोड़े देर पहले बोले कि पाकिस्तान का जो स्वाधीनता दिवस है उस दिन हम अगर हिंदुस्तान के लोग जाकर वहाँ सलाम करें तो गद्दारी कहा जाएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हिंदू हम लोग असल में हमारा हिसाब से ये होना चाहिए कि हम लोग मनुष्य हैं, हम हिंदू हम मुस्लिम हम सिख हम ख्रिस्तान ये होना नहीं चाहिए। हम सब प्रोग्राम में जो कोई भी हो, हमारे मनुष्य जो कोई भी प्रोग्राम करता हो, वो हो दुर्गा पूजा हो या ईद हो, सब में शरीक होना चाहिए। और मैं बहुत उत्साह से आया था कि आज मुझे पता चलेगा कि ईश्वर कौन है। आप जितने भी टॉपिक दिए हैं, जितने भी भाषण दिए हैं, वो ग्रंथ के ऊपर दिए हैं। ग्रंथ क्या ईश्वर ने लिखा है? और आप हमें इस बारे में बोलिए कि ग्रंथ ईश्वर ने लिखा है। मैं मानता हूं कि ग्रंथ ईश्वर ने नहीं लिखा। और एक बात, आप जो थोड़े देर पहले बोले कि हम अगर मुस्लिम लोग, जो हमारे बहन ने सवाल किया आपसे कि हम पूजा में शरीक हो सकते हैं कि नहीं, तो आपने बोले क्या हम इंडियन लोग पाकिस्तान के स्वाधीनता दिवस में सैल्यूट कर सकते हैं? वो हमारे ख्याल से वो एक अदर कंट्री है, वो अदर कंट्री है, हिंदुस्तान अदर कंट्री है, तो वहाँ में सैल्यूट करना वो दूसरा बात है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में ही हमारे घर के सामने अगर दुर्गा पूजा हो रहा है, हम मुस्लिम होते हुए अगर हुआ चले गए, तो उसमें क्या चीज़ का गद्दारी हुआ? अगर मुस्लिम के ईद में दावत में चले गए या ईद में शरीक हो गए, तो उसमें क्या गद्दारी हो गया? किस तरह से गद्दारी हो गया वो हमें समझा दी। आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने असल में दो तीन अलग अलग सवाल किए हैं। देखिए संतोष भाई, मैंने पूरी अपनी तकरीर में जो असल बात बतानी चाहिए थी, आप एक ठंडे दिल से मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट्स जो जाते हैं स्कूल को, और स्टूडेंट्स बैठकर जब पढ़ते हैं, और टीचर ने कहा 2+2 कितना होता है बच्चों, तो बच्चा क्या लिखेगा बोलिए संतोष भाई? आप 4 लिखेगा। मान लीजिए कि मेरे बच्चे ने, आप टीचर हैं, मेरे बच्चे ने 2+2 5 लिखा, तो आप क्या करें? आप उसे करेक्ट देकर गुड बोलेंगे या रॉन्ग देंगे? रॉन्ग देंगे। लेकिन कल अगर स्टूडेंट आपसे ये आर्ग्यू करे, सर ये क्या है सर, कोई 4 लिखता है, कोई 5 लिखता है, कोई 7 लिखता है, आप ये 4, 5, 7 के झगड़े में मत जाइए सर, हम पूरे आपके स्टूडेंट्स हैं, हमें पास कर दीजिए, क्या आप उसे पास करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। अल्लाह भी यही कहता है, अल्लाह कहता है तुम इंसान हो, मैं मानता हूं, तुम एक मर्द एक औरत के बेटे बेटियां हो, ये भी मानता हूं। अल्लाह ने, आपने जो बात कही सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 1 में अल्लाह ने कहा या यो नासुत्तकु रब्बकुमुल लजी खलकुकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए तमाम इंसानों डरो उस पालने वाले से जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया, वा मिन्हा ज़ौजहा उससे एक जोड़ा बनाया, मर्द और औरत बनाया, और वह बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा और उससे कई मर्द बनाए, वा निसाअ और कई औरतें बनाई, वत्तकुल्लाहा लजी तसाउलूना बिही वल अरहाम उस अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर तुम आपस में एक दूसरे से शादियां करते हो, रिश्ते बांधते हो, एक दूसरे के भाई बहन बनते हो, उस अल्लाह से डरो। यानी कि सबको अल्लाह ने एक मियां
और एक बीवी, एक मर्द एक औरत, आदम और हवा अलैहि सलाम से पैदा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि इसमें कई स्टूडेंट्स अच्छे हैं, कई बुरे हैं, कई स्टूडेंट सही आंसर देते हैं, कई गलत देते हैं। जिस तरह आपने बहुत ऑनेस्टली बोला कि अगर कोई भी बच्चा 2+2=5 लिखेगा तो आप रॉन्ग डालेंगे। मान लीजिए कि आप टीचर हैं और मेरे बच्चे ने 2+2=4 लिखा, आपके बच्चे ने 2+2=5 लिखा, तब क्या करेंगे आप? मैं मेरे बच्चे को गलत बोलूंगा। गलत बोलेंगे। इस्लाम भी यही कहता है। इस्लाम कहता है कि देखो आपने बड़ी अच्छी बात कही, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ये झगड़े नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पूरी कुरान में कहीं भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अमेरिकन कुछ भी नहीं लिखा है। नहीं है। पूरी कुरान में दो ही चीजें लिखे हैं, या तो तुम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। इस्लाम नेशनैलिटी फेथ के बेसिस पे डिसाइड करता है। तुम दुनिया में कहीं भी रहोगे लेकिन तुम्हारी नेशनैलिटी या तो तुम मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। क्यों कहा ये? बाकी के जितने झगड़े ये तुमने पैदा कर लिए। पाकिस्तान को इंडिया ने अलग नहीं किया, वो कमबख्ते हमसे अलग होकर गए यहां से। झगड़ा उन्होंने पैदा किया, तो जब उन्होंने हमसे झगड़ा किया तो मैं कैसे चाहूंगा इस मुल्क में रहते हुए कि उनके मुल्क की खुशी पर हम खुशी मनाएं जबकि वो हमारे दुश्मन बनकर बैठे। मैं कैसे चाहूंगा कि वो लोग। हाँ, जब हमारे मुल्क के अंदर की बात आ गई तो आपने कहा कि झंडे को सलामी देना अलग बात है, दुर्गा माँ की पूजा करना या अल्लाह की इबादत करना अलग बात है। आप अगर ईद के मौके पर अल्लाह की बात करने आ जाए, शीर खोरमा पीने आ जाए, तो आप उसको प्रॉब्लम नहीं समझते। देयर इज अ रीजन फॉर इट, क्योंकि आपकी ग्रंथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है नहीं बताती। आपकी ग्रंथ आपको नहीं सिखाती कि अल्लाह भगवान की पूजा कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। आपकी ग्रंथ में जो कुछ आया है उसके अनुसार अगर आप अल्लाह की इबादत में शामिल होते हैं, आप शीर खुरमा खाते हैं, तो इस ग्रंथ के अनुसार कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुरान कहता है कि तुम अगर जाकर दुर्गा माँ की पूजा करते हो तो तुम एक हिंदू भाई को अपने धोखा दे रहे हो। एज ए मुस्लिम आई एम चीटिंग माई हिंदू फ्रेंड। हाउ? एक तरफ तो मैं घर में मानता हूं कि दुर्गा माँ भगवान नहीं है, एक तरफ मैं घर में मानता हूं कि गणेश जी भगवान नहीं है, एक तरफ मैं मन में मानता हूं कि राम जी भगवान नहीं है, लेकिन जब मेरे कोई हिंदू दोस्त मुझे बिला रहे हैं तो मैं पूजा में भी जा रहा हूं, फिर कुरान पढ़कर कह रहा हूं नहीं सिवाय अल्लाह के कोई भी माबूद नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम एक मासूम इनोसेंट हिंदू को धोखा दे रहे हो। इस्लाम डजंट परमिट इट। इस्लाम कहता है बी ऑनेस्ट, जब तुम मानते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो ये झूठे तरीके से ये पॉलिटिशियन की हरकतें नहीं करना कि आप भी सही, आप भी सही, आप भी सही वाले। इस्लाम क्लियर कट लेके जाता है। बी ऑनेस्ट टू हिम, उनको बोलो कि मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा। आप जो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, देखो मैं तो दुर्गा माँ को भगवान नहीं मानता, मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। अब आप पूजा कर रहे हैं, मैं तो आपको यही कहूंगा कि दुर्गा माँ की पूजा मत करिए क्योंकि वो गॉड नहीं हो सकते मेरे अनुसार, मेरे कुरान के अनुसार। आपको अगर समझना है तो मेरे साथ बैठिए, हम कभी बात करेंगे। आप उसके बाद कहेंगे नहीं मैं फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं कहूंगा भाई आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता, क्योंकि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है, फिर आपसे मिलकर कह रहा हूं कि हाँ ये भी भगवान है, हैप्पी क्रिसमस टू यू भी बोल रहा हूं। ये तो झूठ हो गई, और इस्लाम कहता है झूठ पर कभी भी नहीं चलना चाहिए। बी ऑनेस्ट जनाब। मैं आपसे आपसे एक सवाल किया था जी। आप जितने भी स्पीच दे रहे हैं एक ग्रंथ के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या ग्रंथ लिखा है तो मैं इन तीनों को अल्लाह की जानिब से नहीं मानता, सिर्फ इसको अल्लाह की जानिब से मानता। मैं इसके सिवा किसी को भी अल्लाह की जानिब से नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? ये मेरी मर्जी नहीं है इसमें, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं मानता। भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। महाभारत चैप्टर नंबर 25 से लेकर चैप्टर नंबर 43 तक जब आप पढ़ेंगे तो वो है भगवत गीता। महाभारत किसने लिखी अगर किसी से पूछा जाए, फौरी कहेंगे वेद व्यासा ने लिखी। अगर पूछा जाए कब लिखी महाभारत, महाभारत कब लिखी गई, किसी के पास एग्जैक्ट डेट नहीं है। कोई कहते हैं कि महाभारत कब हुई थी, ऑलमोस्ट 800 बीसी में हुई। ऑलमोस्ट आर के नारायण जी, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने महाभारत का जो ट्रांसलेशन किया वो कहते हैं 1500 बीसी में हुई। लेकिन दूसरे पंडित जी कहते हैं नहीं 800 में हुई, कोई कहता है 900 बीसी में, ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट से 900 साल पहले हुई।
लेकिन जो सबसे पहली लिखी हुई महाभारत है अकॉर्डिंग टू रिसर्च वर्क वो जीसस क्राइस्ट के 400 साल पहले, उससे पहले कहीं भी नहीं मिलती। तो ये जो 400 साल पहले लिखी गई उससे पहले वो किसने लिखा, किसने देखा, कहां पर प्रिजर्व्ड है, वो प्रिजर्व्ड नहीं है। वेद ये कब लिखे गए, रामायण कब लिखी गई, रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि रामायण जी ने लिखी। कब लिखी तो कोई कहते हैं 3000 साल पहले लिखी, कोई कहते हैं 3500 साल पहले लिखी, कोई कहते हैं 400 साल पहले, यानी कि किससे पहले, ईसा अलैहिस्सलाम से, जीसस क्राइस्ट से 3000 साल पहले, जीसस क्राइस्ट से 400 साल पहले। वेयर इज इट, वी डोंट हैव इट, क्योंकि वर्जन्स है उसके, ओरिजिनल कहां है वो हमको नहीं मिल रही है। लेकिन जितने भी मिल रहे हैं वो आपके सामने है। इसको कई ऑथर्स ने लिखा और इसमें डिफरेंसेस है। जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे, तो वेद शास्त्र, मैंने क्या कहा आपसे, वैदिक संस्कृत है, क्लासिक संस्कृत है। क्लासिक संस्कृत को पाणिनि जी ने ग्रामर के जब रूल्स दिए उसके बाद वेद शास्त्र लिखी गई, तब तक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से खाली ओरल ट्रेडिशन पे चल रही थी, लेकिन उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद नहीं थी। होली बाइबल है, आप देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं, कैथोलिक बाइबल में 73 बुक्स है, प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 बुक्स है। तो अब 73 बुक्स है कि 66 बुक्स है, डिफरेंसेस है। पूरी बाइबल में द वर्ड बाइबल डजंट कम, बाइबल कहीं भी नहीं कह रही थी कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप इन पूरों को हटाने के बाद आइए कुरान के ऊपर, ये कुरान किसने लिखी। बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने लिखी। आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खोलिए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रिसर्च में कहती है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जितने हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं उससे यह प्रूफ होता है कि उनको लिखना और पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। 40 ईयर्स तक ही लिव्ड अमंग्स द अरब्स, और अरब्स उनको दो टाइटल से पुकारते थे बिफोर ही सेड आई एम प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। वो 40 ईयर्स के हुए तब उन्होंने कहा कि मुझे एक रेवलेशन आ रहा है कुरान का, तब तक उन्होंने नहीं कहा। 40 ईयर्स जब वो थे मक्का, ये कौन सी किताब से कह रहा हूं मैं आपको, कई मुस्लिम्स ने किताबें लिखी है, लेकिन मैं वो कहूंगा तो शायद आप कहेंगे कि मुसलमानों ने लिखी, मैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कह रहा हूं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बिफोर मोहम्मद सेड दैट आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, इससे पहले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उसके पहले से ही वहां के लोग उनको अस-सादिक और अल-अमीन कहते। अस-सादिक अरबिक वर्ड है संतोष भाई, उसका माना है सबसे सत्य बोलने वाला, हमेशा सत्य बोलने वाला, जो मजाक से भी असत्य नहीं बोलता, उसको अस-सादिक कहते हैं अरबी में। ये कौन कहते थे और कौन सी किताब में लिखा है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि जितने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उनके पास जमा हुए हैं उससे पता चलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिटहुड मिलने के पहले ही वहां के लोग सबसे सच्ची बात कहने वाले कहते थे, और उन्हें अस-सादिक के साथ साथ अल अमीन कहते थे, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी। क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि जब अरब्स मक्के से बाहर ट्रेड के लिए जाते अपनी कोई चीज, ये ग्लास उनके पास, कहते आप रखिए हम आकर लेंगे, तो प्रॉफिट मोहम्मद उनके सामने वो ग्लास लेकर एक कॉर्नर में रख देते। अगर वो एक साल के बाद लौटते, दो साल के बाद लौटते, तो उस ग्लास को, भाई भाई उनका आंसर खत्म नहीं हुआ, नहीं नहीं आपको क्वेश्चन आंसर, आपका जो आंसर दे रहे हैं ना वो थोड़ा गलत लग रहा है हमको, प्लीज प्लीज खराब मत होइए आप। आपको चांस मिलेगा इसके बाद पूछिए क्वेश्चन, आप नहीं नहीं पूछना पड़ेगा हमको, पूछना पड़ेगा जी, बोलिए ना, सुने 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 पूछना पड़ेगा जी। आपको जो क्वेश्चन पूछता है आप लोग, जितना भी मतलब ऑडियंस में से जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, आप एग्जैक्ट उसका आंसर दीजिए ना, आप कहां से कहां कहां चला जाती है, आप लॉजिकली आंसर बोलता है, कॉन्सेप्ट आपका कोई क्लियर नहीं है किसी चीज के ऊपर, आप कॉन्सेप्ट ही नहीं। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो उसका आंसर डायरेक्ट कैंसिल करता है टीचर लोग। आप कॉन्सेप्ट नहीं देते, आप लॉजिक देते हैं। आपका कहना ये है इस्लाम मानो, दूसरा कुछ मत धर्म मानो, तो हम लोग हिंदू क्या हिंदू धर्म मानना छोड़ दे, ये बोल रहे ना आप, बोल रहे हिंदू गॉड इज वन बोले आपने, तो उस भगवान को मानो, ये भी बोला आपने, लेकिन बाद में आप ये वर्ड क्यों यूज करते हो, जो आपको ये नहीं मानना है ये मानो, मीन्स मुसलमान मान को मानो, हिंदू को मत मानो क्यों। और हम लोग देखिए, हम अपना फ्रेंड है मुसलमान फ्रेंड है, उसके घर में जाके भी खाते हैं, उसका जब ईद होता है हम लोग को इनविटेशन मिलते हैं, हम लोग उसके घर में भी जाते हैं, उसके घर में भी खाते हैं। आप बोल रहे हैं कि मत जाओ मत खाओ, आप खुद ही तो डिवाइड एंड रूल कर दे रहे। अगर डिवाइड एंड रूल कर रहे तो क्या धर्म हो गया, धर्म में तो डिवाइड एंड रूल होता ही नहीं है कभी। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा किया क्वेश्चन किया। आप एक मिनट सुनिए,
अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मुझे कुरान में कोई चीज की टीचिंग मिली है तो मुझे इसे फॉलो करना चाहिए कि नहीं? तो हाँ, वो फॉलो कीजिए। नहीं, एक मिनट, हाँ, फॉलो कीजिए, आप मेरी बात सुनिए। मुझे जो देखिए, आप मुझे अभी क्या बोले, कॉन्सेप्ट बताओ, बोले ना। हाँ, मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको। आपने मुझे कहा कि अगर कुरान में कोई चीज आती है तो मुझे फॉलो करना है कि नहीं करना है? कुरान कहता है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अल्लाह ताला डज नॉट फॉरगिव द सिन ऑफ कमिटिंग शिर्क विथ हिम एसोसिएटिंग समबडी इक्वल इन हिज डिविनिटी। अगर कोई भी शख्स अल्लाह के सिवा, देखे मुस्लिम्स का क्रीड पहला क्या है, आपने कई बार सुना होगा मुसलमानों से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मीनिंग आप किसी भी मुस्लिम से पूछिए, आपके मुस्लिम फ्रेंड से, उनसे पूछिए उसका मीनिंग क्या है, वो कहते हैं देर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम कहता है कि अगर कोई और आप चीज करेंगे जो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार नहीं है तो आप अपने जो भी दोस्त के साथ ये काम कर रहे हैं आप उस दोस्त को धोखा दे रहे हैं। मैं आपको धोखा कैसे हो गया आपको, तो मैं आपको बता दो कैसा है। मैं अगर सुनिए, अगर धर्मी बोल रहा है जो तुम धोखेबाज हो, अपना धर्म मान के धोखेबाज हो, वो कैसा धर्म हो गया? मैं वही तो देखिए, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने क्या कहा? आपने जो बोला, देखिए ना, आपने बोला आपका जो ग्रंथ है वो उसमें वो लिखा है, लेकिन हमारे घर में तो कभी कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है जो ये मत करो वो मत करो, कोई डिवाइडेशन एंड रूल बनाया ही नहीं हुआ है। देखिए मैंने आपको, हम अपना धर्म कैसे मानना छोड़ दें? मैं आपको छोड़ो नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब से वो भाई को यही तो कह रहा हूँ। नहीं नहीं, आपने यूज किया है, बहुत बार यूज किया है। नहीं नहीं, आप एक मिनट, अगर ये नॉन मुस्लिम हर वर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं है तो वो ये नहीं है, कोई भगवान का इंसान नहीं है। तो हम लोग क्या, भगवान ने नहीं बनाया तो किसने बनाया हम लोगों को? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन आप एक छोटी सी पॉइंट को मिस कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट प्लीज, उनको पूछने दीजिए प्लीज। इनके सवाल के साथ ही सवाल है हमारा। अरे भाई मेरा एक तो आंसर मुकम्मल होने दीजिए। सवाल मैं तीन तीन का एक साथ सवाल के साथ कई ही सवाल है जी। एक्चुअल में हिंदू एक सभ्यता मानते हैं हम, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी। जी एक्चुअली द धर्म इज वेदांतिस्ट, ए सनातन धर्म, सनातन धर्म वेदांतिस्ट, बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू ए सनातन धर्म देयर इज ओनली वन गॉड, absolutely and, true, and we also believe that the God is one, absolutely true, and the Ram, Krishna, these all are the avatari proofs according to our Sanatan Dharma. Okay, so it's not a question of a Hinduism versus Islam. There is not mentioned that a Dharma is Hinduism. Hinduism is a sabhyata. मैंने यही कहा, it's a culture. मैंने यही कहा, Hinduism एक सभ्यता है और सनातन हमारा धर्म है। एग्जैक्टली मैं यही बात, देखिए मैं यही बात बता रहा हूँ जब से, कि जो सनातन धर्म है, कंपेयर कीजिए सनातन को इस्लामी के साथ। आप एक मिनट, नाम बोलिए ना। मनोज शर्मा। मनोज, आपने बहुत अच्छा किया फॉर दैट क्वेश्चन। देखिए मैं असल ये बात बता रहा हूँ मनोज, जैसा आप दो चीजों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, सनातन धर्म और एक सभ्यता को, जनरली 99% ऑफ द मुस्लिम ऑडियंस डोंट हैव द नॉलेज ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन देम। ये वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स है जो बहुत कॉमन पब्लिक कभी हार्डली सुनती है इसको। मैंने इसीलिए शुरू से क्या कहा, तो धर्म है। हाँ, आपकी बात, देखिए धर्म सनातन है। देखिए मैंने आप सभ्यता से हम चलते हैं, whether he is belonging from Assam, very true, और राजस्थान और वेस्ट। मैं इसीलिए, देखिए मनोज आप देखिए मैंने क्या कहा, मैं खुद एक हिंदू हूँ। मनोज मैं खुद क्या बोला कि मैं खुद एक हिंदू हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, यहाँ की सभ्यता है मेरी। नहीं नहीं, हिंदू एक सभ्यता है। एग्जैक्टली, दैट्स अ कल्चर, इट्स अ कल्चर, अलग है, इट्स अ कल्चर। एक मानवता की सभ्यता को ही हमारे सनातन में हिंदू मानते हैं। मानते हैं मनोज, बिल्कुल आपकी 100% बात सही है। मैं यही बता रहा हूँ, जब से भाई का सवाल क्या था मालूम है, कि आपने कहा कि दुर्गा पूजा में मुस्लिम लड़की जा सकती है कि नहीं जा सकती। और एक बात, हाँ आप एक बोले तो, हाँ मैं वही बात का आंसर दे रहा था, तो मैंने उस पर बताया, चूंकि मुस्लिम से ऑलरेडी बोल रहे हैं कि मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी गॉड नहीं है, अब आप जब मुझे बुलाते हैं पूजा पे, मैं आपके सामने आके बैठ जाता हूँ और मैं आपके सामने प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, जबकि मैं दिल से वो बात नहीं मान रहा हूँ। तो इस्लाम कहता है जो बात तुम दिल से नहीं मानते, तुम एक इनोसेंट अपने फ्रेंड को धोखा दे रहे हो, एज ए मुस्लिम मैं धोखा दे रहा हूँ। हमारा सनातन भी मानता है कि भगवान एक ही है। तो अच्छा मनोज, तो फिर अब आप बताओ कि मेरे आंसर में कहां पे वेरी वेरी गो रॉन्ग, मैं आप लोगों के साथ ही हूं। नहीं नहीं, आपका आंसर का एक ही तो, हमारे अनुसार एक ही तो गलती है। आप जो बोले, ये भाई जो पूछा, जे आप तो डिवाइडेशन रोल कर रहे हैं, आपके अनुसार क्या हम हिंदू, हम जितने हिंदू आदमी है आपके अनुसार हम अल्लाह को ईश्वर मान लेना चाहिए? मैंने यही कहा संतोष, देखिए अगर आप पूछेंगे मेरे अनुसार, हाँ एक है कि आप
उसे मानते हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पर आप अगर कहेंगे क्या सारे मुस्लिम्स को चाहिए कि किसी को अल्लाह को छोड़कर गॉड माने, और आपने कहा हाँ आपको मानना चाहिए, तो ये आपके अनुसार हो गया, लेकिन मुस्लिम्स नहीं मानेंगे। इसी तरह आप अगर पूछेंगे इस्लाम के अनुसार क्या अल्लाह ही को गॉड मानना चाहिए, कुरान के अनुसार क्या अल्लाह ही को गॉड मानना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि कुरान के अनुसार सिर्फ अल्लाह ही को मानना चाहिए, इस्लाम के अनुसार सिर्फ अल्लाह ही को मानना चाहिए। कोई नहीं मानते हैं तो इस्लाम कहता है उनको फोर्स नहीं कर सकते। तो उस तरह से तो आपका आपका कुरान इस्लाम के अनुसार आपका कुरान बोल रहा है कि अल्लाह भगवान है, अल्लाह ईश्वर है जी। हमारे वेद के अनुसार बोल हमारे पंडित हमारे पंडित बोलते हैं कि नहीं, हमारा हिंदू धर्म जो है, हमारे भोले बाबा जो है वो भगवान है जी। लेकिन मैं मानता हूं, मैं किसी मौलाना या किसी पंडित को मैं नहीं मानता। ओके, मैं मानता हूं हमारा ईश्वर एक है जी, और हमें भगवान ने, ईश्वर ने सिर्फ दो ही जात में पैदा किया है, एक औरत एक मर्द जी। और हम लोग जी, हम लोग आकर यहाँ अपने स्वार्थ बस। आज मैं मानता हूं कि ये जितने भी ग्रंथ है, जितने भी ग्रंथ है वो सब मनुष्य ने लिखा है। मैं आपका वो आंसर दे रहा था, वो भाई ने उसके बाद मनुष्य सुनिए, मनुष्य ने लिखा है, वो बात कर रहा था आपसे एक्चुअली। तो हम लोग तो अपने स्वार्थ बस हिंदू मुस्लिम सिख जैन ख्रिस्तान बना लिए है ना। संतोष, मैं वही पॉइंट पर आप क्या रहा था, आज आज जो हालत है हमारे वर्ल्ड का, ये सिर्फ हमारे स्वार्थ बस है। बिल्कुल सही है संतोष, लेकिन आपके वही पॉइंट पर मैं जवाब दे रहा था, मुझे इंटरप्ट कर दिया। आपने कहा कि ग्रंथ किसने लिखे हैं, कल जो आपका टॉपिक है जी जी, विश्व बंधुत्व। हाँ, हाँ, मैं क्वेश्चन मैं कल पूछने के लिए मैं सोचा था जे हम लोगों को ईश्वर ने एक खूबसूरत मनुष्य के शरीर देकर जो इज्जत नमाजा है, आज हमने अपने स्वार्थ बस हम मनुष्य को सभी हिस्सों में भाग करके लड़ रहे हैं। आपकी बात से 100% अग्री करता हूं, मैं उसका कभी भी इनकार नहीं किया। मैंने आपसे पहले ये बात पहले के आंसर में दे दी, मैंने कहा कुरान भी यही कहता है, सूरह बकरा आयत नंबर 213 में अल्लाह कहते हैं सबको मैंने एक ही बनाकर पैदा किया, बाद में जो अधर्मी लोग थे उन लोगों ने टुकड़े कर दिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि पहले ग्रंथ का बात छोड़िए, नहीं आपके अनुसार, ईश्वर कौन होना चाहिए, मेरे अनुसार देखिए। हाँ, आप मेरे अनुसार पूछेंगे तो मेरा ओपिनियन हो गया। हाँ, मेरे अनुसार ईश्वर सबका एक जब है तो मैं कह रहा हूं उस ईश्वर का नाम अल्लाह, ये मेरे अनुसार है। आप अगर नहीं मानते हैं तो इस्लाम कहता है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। देखिए, आप जब मेरे अनुसार पूछते हैं तो मैं अल्लाह को मानता हूं। आपने पूछा कि ग्रंथ किसने लिखे, मैं वही बात कह रहा हूं आपको। हाँ, कि प्रॉफिट मोहम्मद ये ग्रंथ लिख ही नहीं सकते। प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी नहीं कहा कि ये ग्रंथ मैं लिख रहा हूं, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने नहीं आता था। इस ग्रंथ के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने से, आप देखेंगे कि ये जो अरेबिक इसका टेक्स्ट है, आप कुरान के इस अरेबिक टेक्स्ट को ब्रिटिश इंडिया म्यूजियम लंदन में, जो कुरान प्रॉफिट मोहम्मद के डिसाइपल्स ने लिखी थी, उनके साथ रहने वालों ने लिखी थी, उसकी कॉपी से टैली करेंगे तो एक भी लाइन का फर्क नहीं मिलेगा। आप जब दोनों को टैली करेंगे तो अब इस कुरान के अंदर चैप्टर नंबर 21 सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में अल्लाह ने कहा है अवलम यरल्लज़ीन कफरू अन्न समावाती वल अर्द, जो लोग मुझे नहीं मानते क्या वो लोग आसमान और जमीन यूनिवर्स को नहीं देखते, कानता रतखन फतकनहुमा दे वर जॉइंड एज वन यूनिट ऑफ क्रिएशन वी क्लोज द मैसेंजर, बिग बैंग थ्योरी बताई गई है। प्रॉफिट मोहम्मद एक अरब लैंड में थे जहां पे ये नॉलेज हो ही नहीं सकती, वो टाइम पे बिग बैंग थ्योरी 30 इयर्स पहले प्रोपाउंड हुई, तो वो इस ग्रंथ में कैसे लिख सकते हैं, ये एक सवाल आता है। सेकंड, उसी उसमें लिखा गया है वजअलना मिनल माई कुल्ला शयइन हाई, हमने यूनिवर्स को पानी से पैदा किया। प्रॉफिट मोहम्मद डेजर्ट में रहते हैं, एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए माइल्स जाना पड़ता है। हाउ कैन ए पर्सन हु इज राइटिंग दिस बुक बाय हिज ओन हैंड 1440 इयर्स बैक वो लिख रहा है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ वाटर, जो आज साइंस एक्सेप्ट कर रही है। ऐसे कई चीजें इस कुरान के अंदर है जिससे ये पता चलता है कि इसे प्रॉफिट मोहम्मद लिख ही नहीं सकते, डेफिनेटली इसे किसी ऐसे ने लिखा है जो हम सबको पैदा किया है। तो मुस्लिम्स ये मानते हैं कि कुरान एक वो ग्रंथ है जिसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं लिखा, डेफिनेटली इसे हम सबको पैदा करने वाले ईश्वर जिसे हम अल्लाह कहते हैं उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील किया है। ये हमारा बिलीफ है इस कुरान के बारे में। बेस्ड ऑन दिस
कुरान की टीचिंग यही कहती है कि जो सत्य है उसके लिए तुम लोग ठहर जाओ, उसकी ही बात करो। अगर कोई उस बात को नहीं मानते हैं, तुम्हारी बात से राजी नहीं होते हैं, तो उनसे झगड़े करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह एक घर में, एक छत के नीचे माँ बाप के दो भाई, दो बेटे रहते हैं, दोनों में कई चीजों में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन रहते एक ही छत के नीचे हैं, इसी तरह अगर कोई चीजों में तुम्हारे साथ वाले भाई उस बात को नहीं मानते, तो तुम उनको उनके तरीके पर छोड़ दो, तुम अपने तरीके पर रह जाओ, लेकिन उनके साथ तुम धोखेबाजी, उनके साथ झूठ, ये सब तुम उनके साथ नहीं करना। दिस इज व्हाट इस्लाम सेज। इतना ही उसका मैसेज है इस्लाम का। इसमें आप बताइए कि कहां इस्लाम किसी को चीट करना सिखाता है, कहां इस्लाम हर्ट कर रहा है। हमारे अनुसार आप किसी भी मुस्लिम को इंडिया के पूछिए, क्या अल्लाह के सिवा कोई गॉड है? कोई मुस्लिम इंडिया में रहो या अमेरिका में रहो या कहीं भी रहो, वो बोलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है, क्योंकि कलिमा, द क्रीड ऑफ इस्लाम इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है वो। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। जिसको आप ईश्वर मानते हैं, मैं उनको अल्लाह कहकर पुकारता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह जिसे मैं कहता हूं, वही सबको पैदा किया है, वही संतोष को भी पैदा किया, वही मुझे भी पैदा किया, वही सब यूनिवर्स को पैदा किया। उसको मैं जिस नाम से पुकारता हूं वो अल्लाह है। और इस्लाम का फंडामेंटल मैसेज क्या है कि एक अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और गॉड को मत मानो। अगर कोई दूसरे उस गॉड को मानते हैं, तो मुझे कहा गया है कि तुम उनको जाकर उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करके खुशी से उनके साथ इस तरीके से प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम भी वो बात को मान रहे हैं, जबकि तुम अपने दिल से ये बात नहीं मान रहे हैं, तो तुम अपने एक इनोसेंट फ्रेंड को धोखा दे रहे हो। इस्लाम कहता है कि डोंट चीट अदर्स फॉर इट। अगर वो कहे कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तो तब अपने वो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स जो भी रहेंगे, उनको ये मैसेज दो कुरान का, बोलो कि मेरी कुरान में, ये ग्रंथ में लिखा है कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। अगर इसके बाद वो तुम्हारी बात को नहीं मानते, तो तब भी तुम लोग एक दूसरे के दोस्त रह सकते हो, झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। उनको अपने तरीके पर छोड़ दो, तुम अपने तरीके पर। क्लियर आयत है इसमें, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। देखिए क्या कहता है सूरह नंबर 109 ऑफ द कुरान, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून, से टू देम, ओ यू नॉन मुस्लिम्स, ला अबुदु मा ताबुदून, आई डू नॉट वर्शिप दोज थिंग्स विच यू वर्शिप, वला अंतुम आबिदून मा अबुद, यू आर नॉट गोइंग टू वर्शिप दैट विच आई वर्शिप, वला अना आबिदुम मा अबतुम, नेदर एम आई गोइंग टू अग्री एंड वर्शिप दोज थिंग्स विच यू आर वर्शिपिंग बिसाइड्स अल्लाह, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आफ्टर दिस लेट देम गो टू देयर वे, यू बी ऑन योर वे, तुम उनको गला नहीं काट सकते। और अगर कोई, मैंने आपको देखो पहले आंसर में क्या कहा, मैंने कहा कि अगर कोई भी मुसलमान किसी भी नॉन मुस्लिम को पैसे की लालच से मुस्लिम बनाता है, उसको तलवार की जोर पर मुस्लिम बनाता है, 100% इज गोइंग अगेंस्ट द कुरान। ये मुसलमान को सजा मिलनी चाहिए जो भी ऐसा करता है। दैट इज द मैसेज ऑफ इस्लाम। उतना ही है, इस्लाम में हर मुस्लिम बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि यह ग्रंथ अल्लाह ने रिवील किया है, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स है। आपने कल जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाली टॉपिक है, कल आप जरूर आइए। मैं पर्सनली दिल से आपको, आपके पूरे दोस्तों को दिल से इनवाइट करना चाहता हूं, और मेरे लिए ऑनर रहेगा उसमें आप लोग क्वेश्चंस करिए कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मैं आज यही असल ये टॉपिक की सीक्वेंस इसलिए लिए थे, एक तरफ जब मुस्लिम्स मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैसे आएगा? कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि हम ये डिफरेंसेस के बावजूद भी ब्रदरहुड बनाकर रह सकते हैं। That is the message I want to give tomorrow, कि ये differences रहेंगे। So ultimately you are making a dividation rule, nothing else. I didn't make it. No, you are saying this one. अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए। और एक बात पूछिए तो। नहीं, एक आप मुझे एक बात बताइए कि जिस वक्त जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था, तो उस वक्त जूडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी थी। जिस वक्त हिंदू धर्म के अंदर महाभारत हुई, तो कृष्ण जी ने भी जो है उनके खिलाफ लड़ा। तो डिवाइड एंड रूल, किस बात का डिवीजन, किस बात की रूलिंग? देयर इज नथिंग एज डिवाइड एंड रूल। अभी तो आपने बोला ना, जो इतना डिफरेंस होने के बाद भी एक साथ रह सकता है, देयर इज अ डिफरेंस इन मीनिंग। एक है डिवीजन, एक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, वी आर ऑल डिफरेंट, वी आर नॉट डिवाइडेड, वी आर वन यूनाइटेड इंडिया। नो, यू आर इन एवरी टॉपिक यू आर सेइंग दैट यू आर राइट एंड अदर्स इज रॉन्ग। नॉट यू आर सेइंग, योर कुरान इज सेइंग। एंड वन मोर क्वेश्चन before some time past you have said about the rape about the girls, आपने बोला ना rape हो रहा है जो, और एक बात बोला आपका कुरान में जो लड़की एक मतलब एक घर का ये होता है उसको ठीक मतलब ढक के रखो, तो आपने बोला लड़की को ढक के रखो, क्यों लड़का को नियत ठीक क्यों नहीं हो कर सकते आप? देखिए आपने बहुत आपका कुरान ने जो बोला है जो लड़की को ढक के रखो, अगर लड़की अगर आपको नंगा भी घूमे लेकिन देयर इज नो राइट एवरी बॉयज टू रेप हर, व्हाई? ये आपका कुरान बोलता है क्या?
रेप लड़का लोग रेप करते रहे, लड़की लोग को ढके ढके रहना चाहिए। नो, नाइट इज फॉर एवरीवन। आपका नाम मनोज बताया आपने? नो 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 सॉरी, अमित 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 देखिए आपने अगर मेरा वो आंसर गौर से सुना होता ना तो आपको शायद ये क्वेश्चन आपके जहन में आता ही नहीं था। बोलिए फिर से। मैंने उस क्वेश्चन में कहा और साइंटिफिकली अपनी इंडियन एक साइंटिस्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को रिसर्च प्रेजेंट किया है रिसेंटली। हमारी एक इंडियन लड़की है जो साइंटिस्ट है, उसने हार्वर्ड का छोड़िए कुरान के बारे में पहले बोलिए। सुनिए सुनिए, कुरान साइंस अलग नहीं है। अभी आप मुझे डिबेट मत करिए ऐसे, मैं आपको बहुत रिस्पेक्टफुली आंसर कर रहा हूं तो सुनिए भी आप। हमारी इंडियन साइंटिस्ट लड़की ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक रिसर्च दिया है, उस रिसर्च में हमारी ये लड़की कहती है कि मर्द और औरत का जो दिमाग होता है दोनों में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। साइंस मानती है एनाटॉमिकली मर्द और औरत में डिफरेंस होता है। साइंस कहती है मर्द सेक्सुअली औरत से ज्यादा एग्रेसिव होता है, औरत उतनी एग्रेसिव नहीं होती है। साइंस कहती है कि मर्द एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से जनरली पोलाइट औरतों पर हमले कर देते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। और जितने लोग आज पूरी दुनिया में नारे लगाते हैं औरत और मर्द को बराबर रखो, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, जब वो दिल्ली का अनफॉर्चुनेट रेप केस हुआ, हमारे आंध्र प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी श्री दिनेश रेड्डी साहब, इन सब ने रिसेंटली एक विमेंस राइट्स जो नेशनल कमीशन ऑफ विमेंस राइट्स है उसकी एक मेंबर ने सबने यही कहा, यस औरत अगर कपड़े बराबर नहीं पहनती का मतलब मर्द कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने कब कहा? अगर उसके बावजूद भी मर्द करेगा तो सजा दो उसको बराबर। इस्लाम नेवर सेज के लेट हिम स्केप, इस्लाम ओनली सेज देयर शुड बी अ प्रोटेक्शन। मैंने सोने की दुकान की, गोल्ड की, ज्वेलरी शॉप की एक एग्जाम्पल दी। मैंने कहा कि ज्वेलरी शॉप वाले की अगर ज्वेलरी शॉप को वो खुला रख दे और चोरी हो जाए तो कोई भी पुलिस वाला कहेगा तेरे पास कीमती चीज है, यू हैव प्रेशियस थिंग इन इट, यू हैव गोल्ड इन इट, तुम सीसीटीवी कैमरे लगाओ, सिक्योरिटी गार्ड को रखो। क्यों भाई? तो कहेगा तेरे पास कीमती चीज है। मैंने कहा इस्लाम कहता है औरत की ब्यूटी दुनिया की हर कीमती चीज से ज्यादा कीमती है, वेदर वो औरत मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। मैंने ये भी कहा, मैंने कहा अगर कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम औरत के साथ बदतमीजी करेगा तो उस मुस्लिम को भी सजा दी जाएगी। तो उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, ढक के क्यों रखना पड़ता है? यस, अभी आपके वही पॉइंट पे आ रहा हूं। साइंस कहती है मैन इज मोर सेक्सुअली एग्रेसिव, साइंस कहती है। तो मैन को ठीक करो। अब आप एजुकेटेड हो, आप साइंस को कैसे रिजेक्ट करोगे? तो मैन को ठीक करो कीजिए ना, तो लड़कियों क्यों? औरत को ठीक, व्हाई ऑल द गर्ल्स? नहीं भाई, अगर आप बोलेंगे चोर को ठीक करो, भाई उसको सीसीटीवी क्यों लगाओ बोल रहे हो? बोले तो आप बोलेंगे चोर को सही करो, वहां सिक्योरिटी क्यों ठहराओ बोल रहे हो? इस्लाम कहता है दोनों को भी करो, अगर वहां सिक्योरिटी लगाओ, अगर चोर ने चोरी की तो सजा दो। अगर किसी मर्द को रेप करने का हक नहीं है, अडवाणी जी ने कहा था कि रेपिस्ट को गर्दन मार दो, हम भी कहते हैं यस एवरी रेपिस्ट शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट, 100% आई एग्री टू इट। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो सिर्फ मुसलमान बहनों की नहीं, मैं तो हर हिंदुस्तानी बहन की, हर दुनिया की औरत की इज्जत की बात कर रहा हूं। इस्लाम की तरफ से इस्लाम प्रोटेक्शन देता है। अभी व्हाइट हाउस की रिपोर्ट है, किस दिन की? 24th of January 2014 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, व्हाइट हाउस पेज नंबर 1 पर। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट कहती है अमेरिका में एवरी 1 out of 5 वीमेन हैव एक्सपीरियंस्ड रेप। आप जाके साइकोलॉजिस्ट को पूछिए, साइकेट्रिस्ट से मिलिए, उनसे पूछिए कि रेपिस्ट का बिहेवियर ऐसा क्यों है, साइकोलॉजिस्ट को पूछिए वो ऐसा क्यों करता है। साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड आर सेइंग कि कई बार मर्द आदमी औरत की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से, उसके ड्रेस कोड की वजह से सेक्सुअली जो वो ट्रिगर हो जाता है। इस्लाम कहता है कि वो नुकसान में डालो ही क्यों कोई हमारी बहन को, इस्लाम ने कम मना। आप जानते हैं वेद शास्त्र क्या कहते हैं? ऋग्वेद बुक नंबर 8 हिम नंबर 33 वर्स नंबर 19 कहती है कि जो औरत है उसको अपने पैरों को करीब रखना चाहिए और सर से पांव तक ढाक लेना चाहिए। सीता जी की जब कभी हम पोर्ट्रेट देखते हैं, जब कभी पिक्चर देखते हैं, शी इज कंप्लीटली कवर्ड। जब मदर टेरेसा को देखते हैं जिसको नोबेल प्राइज मिला, वो सर से पांव तक ढकी हुई है। जब चर्च के अंदर जाने वाले नंस को देखते हैं जिसको कहते हैं कि ये बहुत पायस हैं, गॉड की वर्शिपिंग कर रहे हैं, नंस पूरे सर से पांव तक ढके हैं, मुस्लिम औरत ढकते ही प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? नंस को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, मदर टेरेसा को दे रहे हो, मदर मेरी को दे रहे हो, सीता जी को दे रहे हो। हम इस्लाम में कहते हैं कि हर मुस्लिम लड़की उसी तरह ऑनेस्ट रहे, मॉडेस्ट रहे ड्रेसिंग में। जनाब जी, जवाब से मैं बहुत खुश हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं मानता हूँ कि मेरे माता पिता ही मेरे माता पिता सच्चे ईश्वर है, जिनके कारण मैं इस दुनिया में आया जी। आज इस दुनिया का सुख आज मैं भोग रहा हूँ, सब चीज देख रहा हूँ, सब चीज कर रहा हूँ, जिसके कारण वो ही मेरे सच्चे ईश्वर है। क्या मैं गलत हूँ? अच्छा, अगर मैं आपसे पलट कर पूछूं, अब आप अपने माता पिता से पूछिए, और अगर वो कहते हैं कि हम मानते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए ईश्वर है, फिर वो कहेंगे उनके माता पिता उनके लिए ईश्वर है, तो असली ईश्वर कौन है? थोड़े देर पहले आपने बोला हमें जिन्होंने पैदा किया वो ही सच्चे ईश्वर है। आपके माँ बाप को किसने पैदा किया? उनके माँ बाप ने। सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले वाले मर्द और औरत को आपने कहा ईश्वर ने पैदा किया? मैं कहता हूँ वो ईश्वर है सर। वही तो मेरे लिए, तो मैं मेरे माँ बाप को जानता हूँ, मेरे माँ बाप उनको माँ बाप पैदा करने वाला ही सच्चे ईश्वर। अल्लाह क्या कहता है जानते हैं? हाँ। कि तुम लोग एक स्टेप पर मत रहो, जो सबसे पहला जिसने इतने सबको पैदा किया तुम उसको ईश्वर मानो, इनको माता पिता मानकर इनकी इज्जत और इनकी जो सेवा करो, ये इस्लाम कहता है। क्या कुरान? वही तो मैं तो वही कहना चाहता हूँ कि माता पिता ही सच्चे ईश्वर। सेवा करना अलग चीज है और पूजा करना अलग चीज है। इस्लाम कहता है माँ बाप की पूरी सेवा करो, लेकिन इस्लाम नहीं कहता कि माँ बाप की पूजा करो। क्यों? पूजा सिर्फ उसकी होनी चाहिए जिसने सबसे पहली मर्तबा इंसान को पैदा किया, और उसकी वजह से हमारे ये माता पिता हमें मिले। तो मुझे तो मालूम ही नहीं है, मुझे मेरे माता पिता का माता पिता माता पिता के माता पिता पकड़ लीजिए। अच्छा, तो आज इंडिया में संतोष जी देखिए, जो चीज आपको नहीं मालूम है मुझे मालूम हो गई। मुझे मालूम हो गया कि वो जो है वो अल्लाह है, तो प्रॉब्लम क्या हो गया? कहां से आपको मालूम चला कि वो अल्लाह है? मैंने इतने सारे पूरे लेक्चर में टॉक दिया। सुनिए सुनिए, आप तो ग्रंथ के ऊपर में बोल रहे हैं ना। देखिए, क्योंकि ग्रंथ ही तो हमें ईश्वर या भगवान या गॉड या अल्लाह बताएंगे ना, ग्रंथ उसके सिवा कहां से लाऊंगा ना। ग्रंथ जो ओ ऊपर वाले ओ माता पिता ने लिखा है, आप फोर्सली बोल सकते हैं। एक मिनट, आप ये बताइए मुझे कि इंडिया का जो लॉ है, लॉ क्यों बनाया जाता है? ताकि पूरे इंडियंस उसको फॉलो करें। अब अगर मैं किसी से पूछूं ये लॉ किसने लिखा, तो बताएंगे कि एक टेक्स्ट बुक है भाई लॉ की, उसको किसी ने लिखा और वो आज तक इंप्लीमेंट हो रहा है। मैं कहता हूं वो जो टेक्स्ट बुक है लॉ की ईश्वर की, वो कुरान है। ये मैं कहता हूं, मैंने कहां से जाना? कुरान से जाना। मैं ब्लाइंडली नहीं जाना, पैदा मुस्लिम हो गया इसलिए नहीं माना। मैं रिसर्च किया, मैं मालूम करने की कोशिश किया कि वाकई क्या अल्लाह की तरफ से ये बुक है। मुझे इत्मीनान हो गया, मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि यस दिस बुक इज फ्रॉम अल्लाह, बिकॉज दिस बुक डज नॉट मेक मी वायोलेंट, दिस बुक डज नॉट मेक मी ए रिबेलियस पर्सन, दिस बुक डज नॉट मेक मी ए पर्सन हु हेट्स अदर्स, इट मेक्स मी ए पर्सन हु इज कंसर्न्ड अबाउट अदर्स, it makes me a person to be committed to my religion and also love and respect other human beings. I am satisfied because of that. ha agar kuch log isko misuse karte hain jis tarah har jagah misuse ho raha hai to ye unka problem hai. agar mercedes car ko drivers takkar maar de to car ki technology ka problem nahi hai, drivers ka problem hai. isi tarah agar kuch muslims unfortunately quran ke against kuch kar rahe hain, 100% I am with you, these muslims should be punished. एट द सेम टाइम अगर कोई हिंदू लोग कोई धर्म की चीज के खिलाफ कर रहे हैं तो वो हिंदू को भी पनिश करना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वैलेंटाइन डे है, हमारी सभ्यता में नहीं है, हमारे यहाँ के जो बास लोग हैं वो कहते हैं कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, इसमें जो गंदगी फैलती है। मैं 100% साथ देता हूँ क्योंकि मेरा रिलीजन उसको अलाउ नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन किसी के भी साथ पार्कों में फिरे। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सभ्यता थी, जहाँ हमारे पास औरत की नारी की इज्जत थी, जहां उसको बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था, वही तरीके से देखा जाए आज भी, और दूसरे कल्चर्स हमारे पास ना आए। जहां हमारे पास एक जमाने में, आज भी आप राजस्थान को जाएंगे तो हमारे राजस्थान की हर औरत, चाहे वो मुस्लिम हो या ना हो, वो सर पे से पल्लू ढांक लेती है। ये यहाँ की सभ्यता है। आज भी हमारे पास जो पत्नी होती है वो सुबह उठने के बाद अपने सास ससुर की सर्विस करती है, ये यहाँ की सभ्यता है। अगर कोई ये करता है, आई एनकरेज इट, दैट्स फाइन, ये इस्लाम के कहीं भी अगेंस्ट नहीं है। लेकिन कोई मुझे पूछे अल्लाह ही को क्यों मानता हूं, आई हैव अ रीजन फॉर इट। मैं दिल से आई एम टोटली कॉन्फिडेंट कि अल्लाह ही गॉड है, इसलिए मानता हूं। कोई पूछे कुरान को ही क्यों मानता हूं, आई हैव रीजंस फॉर इट, मैं प्रूफ कर सकता हूं, एविडेंसेस है, इसलिए मानता हूं। कोई कहे मैं नहीं मानता, फाइन, हिज ओपिनियन। तो जनाब, मैं जो इतने दिन से सोच रहा था कि मेरे माता पिता ही ईश्वर है जी, तो उसमें मैं गलत हूं? मेरे अनुसार गलत है, मेरे अनुसार गलत तो है। आपके अनुसार मैं तो एक हिंदू लड़का हूं, तो क्या मैं अल्लाह को ईश्वर मान के मैं अगर 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 आप करना चाहिए? अगर आप
जिस तरह आपने कहा कि अभी तक माता पिता को मानते थे क्योंकि उन्होंने आपको इतनी सारी चीजें दी हैं, आपको बचपन से बड़ा किया है, अगर आप, मुझे यकीन है कि एक बार सच्चे दिल से शांति से सत्य को अपने दिमाग में लाके अल्लाह के बारे में सही नॉलेज लेंगे तो उसके बाद आप खुद जो डिसीजन है ले लें। मैं आपको ना लो बोलूंगा या ना लो बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो सत्य है उसे मान लो, लेकिन मैं आपको आज मान लो कल छोड़ दो ये नहीं, आराम से आप अपना टाइम लीजिए, आप दिल से देखिए कि जिस मां बाप से आप इतनी मोहब्बत करते हैं उतने अच्छे मां बाप आपको दिए किसने, उन मां बाप के दिल में आपके लिए मोहब्बत किसने डाली, उन मां बाप के दिल में आपकी सेवा करने का जो बचपन में जज्बा किसने डाला। मैं कहता हूं कि उस जब उसने डाला तो वो मेरा अल्लाह ईश्वर है, ये मेरे माता पिता है, उसने मुझे कुरान में हुक्म दिया है माता पिता के बारे में। अल्लाह कहता है सूरा नंबर 17 आयत नंबर 23 एंड 24 में, जब तुम लोग अपने माता पिता के सामने जाओ तो इस तरीके से ना ठहरो अपने माता पिता के सामने, बल्कि अपने दोनों विंग्स को लोअर कर दो, और अगर वो तुमसे कुछ कहे तो डोंट इवन से उफ टू देम, उफ भी मत बोलो। ये दिस इज व्हाट अल्लाह टीचर्स मी अबाउट माय मदर एंड माय फादर। मैं अल्लाह को क्यों नहीं मानूं?